कि अपने घर में दीपक जरूर जलाएं और दिवाली की तरह राम जी का आगमन करें। परिवार की तरफ से आप सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। सुंदर मुंदरी हो मेरा कौन बेचारा हो। मेरी और मेरे परिवार वर्मा परिवार की तरफ से आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश बब्बर एक बार फिर से आपके बीच में। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बब्बर ब्लॉग यानी बीवी में। साथियों, आज लोहड़ी है और भारत एक ऐसा देश है, ये सतरंगी देश कह सकते हैं हम इसको, रंग बिरंगा। जैसे रंगों में हर एक रंग का अपना एक महत्व होता है, हमारे देश में भी हर त्यौहार का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। आज लोहड़ी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ नुमाइश कैंप के गोपाल नगर में छोटे चौक पर। तो यहाँ आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, जगह जगह पर लोगों ने लगेज लगाए भी हैं और लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे लोग। मैं आपको दिखाऊंगा नुमाइश कैंप, इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ लोग बहुत कोई भी त्यौहार हो बड़े जिंदा दिली से करते हैं। चलिए मेरे साथ आप नुमाइश कैंप घूमेंगे। कहीं अगर रुकने का हुआ, लोगों से बात करने का हुआ, हम लोगों से बात भी करेंगे और लोहड़ी का त्यौहार कैसे मना रहे हैं लोग उसको आपको दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ। हम सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी क्यों सेलिब्रेट करते हैं? लोहड़ी एक खुशियों का त्यौहार है भाई। आप सभी को शुभकामनाएं लोहड़ी की। राकेश जी, आप बताइए कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है हमारे देश में? एक गरीब परिवार में दो बहनें होती हैं, उन्हें वहाँ का जो नंबरदार या प्रधान होता है वो उन्हें कहता है कि मैं इन्हें उठा के ले जाऊँ। उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ एक दूल्हा भट्ट नाम का आदमी होता है, इसलिए उसका नाम दूल्हा भट्टी वाला बोला जाता है। दूल्हा भट्टी? हाँ जी, दूल्हा भट्टी वाला बोला जाता है। और वो उन्हें बचा लेता है। दूल्हा भट्टी बचा लेता है, उन्हें बचा लेता है और सारी रात उनकी रक्षा करता है, आग जलाता है। सर्दी का मौसम होता है, आग जला के उनकी रक्षा करता है और उन्हें बाद में अपनी बेटी बना के विदा करता है। अच्छा, इसीलिए बोलते हैं दूल्हा भट्टी वाला। दूल्हा भट्टी वाला? हाँ। सुंदर मुंदरी हो मेरा कौन बेचारा हो। अच्छा। दूल्हा भट्टी वाला हो, दूल्हे ने दी ब्याई, उसकी दी असली नहीं होती, उसने वो उसे बताया होता है, उसे बेटी बनाया होता है। तो इसका नाम लोहड़ी क्यों पड़ा? जैसे दूल्हा भट्टी है तो लोहड़ी शब्द कहाँ से आया? लोहड़ी शब्द तो इसी को कहते हैं। अच्छा, उन्हें लोड पड़ी थी ना उसकी। सुंदर मुंदरी हो तेरा कौन बेचारा हो, दूल्हा भट्टी वाला हो दीदी। कोई बात नहीं वाम रे सी हो, चाचा गाली रे सी हो। हाँ हाँ, बोलो आगे। याद राकेश जी को पूरा याद नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी कुछ हमें बताया लोहड़ी के बारे में। वाकई मुझे यहाँ पे कोई नहीं मिला लोहड़ी के इतिहास को बताने वाला। राकेश जी पहले व्यक्ति हैं नुमाइश कैंप में जिन्होंने मुझे लोहड़ी के बारे में बताया, इसके इतिहास के बारे में बताया कि लोहड़ी क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम। चलिए हम आगे चलते हैं। दर्शकों, आप ऐसे ही मजा लेते रहिए और इंजॉय करते रहिए। आप सभी को एक बार फिर से बब्बर ब्लॉग की तरफ से शुभकामनाएं लोहड़ी की। आप ऐसे खुश रहे, स्वस्थ रहे। उससे को हम थोड़ा और आगे बढ़े। हम तो सीधे जा रहे थे, हमने देखा कि भाई हमारे दाए हाथ पे गली मुड़ रही है, यहाँ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई आप सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं बब्बर ब्लॉग की तरफ से। अच्छा, कोई बता सकता है लोहड़ी क्यों सेलिब्रेट की जाती है? थैंक यू। हाँ, राइट, आपने सही आदमी नहीं देखो मिली थी। थैंक यू बेटा, भाई साहब मेरा गला खराब हो। आप मुझे गर्म पानी में दे दो।
यहाँ भी किसी को नहीं पता कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, किन्हें पता। लेकिन कोई बात नहीं दर्शकों, हमें इंजॉय करने से मतलब है और सेलिब्रेशन अच्छा होना चाहिए क्योंकि त्योहार हमारा है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार। तो हम थोड़ा और आगे बढ़े, एक परिवार और लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ अलग अलग परिवार ही सेलिब्रेट कर रहे हैं या कुछ दो चार मिल के भी करते हैं आप लोग? अच्छा, दो फैमिली। अच्छा, लोहड़ी क्यों मनाते हैं भाई साहब? शुभ त्यौहार है, लोहड़ी हिंदुओं का त्यौहार है, इसीलिए मनाते हैं। अच्छा, हिंदुओं का त्यौहार, होली भी है, दिवाली भी है, सब बढ़िया त्यौहार है। उसके पीछे एक इतिहास होता है, लोजिक भी होता है। क्या है इतिहास? अच्छा, इतिहास नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन यह है कि बकर बनाओ की तरह से आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब लोहड़ी क्यों मनाते हैं? बताया तो आपको, सर्दी ज्यादा थी। अच्छा, ये सर्दी को कम करने का साधन लोहड़ी है। लोहड़ी है, हाँ जी। अच्छा, और होली भी? होली गर्मी ज्यादा लगती है, पानी का इस्तेमाल करने के लिए मनाई जाती है। कुछ दिन पहले होली जलाई जाती है। अच्छा, उसमें तो होली का ध्यान कहे, पहले एक दिन पूरे गर्म हो जाओ, उसके बाद पानी के नाते ठंडे हो लो। हर आदमी अपना अपना करके दे रहा है। देखिए दर्शकों, लोहड़ी एक ऐसा त्योहार है, हर आदमी अपने अपने तरीके से मनाता है। कहीं ढोल बज रहे हैं, तो कहीं नगाड़े बज रहे हैं, तो कहीं बैंड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। आपने बैंड बुलवाया था शायद, है? चलिए देख भाई, बजा के दिखाओ दर्शकों को बैंड। हम थोड़ा और आगे बढ़े, नुमाइश के में घूम रहे भी। तो हम वादा तो किया आपसे कि पूरा शहर दिखाएंगे, लेकिन नुमाइश के में इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, ऐसे ही दिखला नहीं जा रहा है। अब ये देखिए भाई साहब, आपका क्या नाम है? रोहित। रोहित सचदेवा। सचदेवा, तो रोहित सचदेवा जी हैं, वो भी लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, आप इसके इतिहास के बारे में जानते हैं क्या? इसके इतिहास की हम आज ही बात कर रहे थे कि लोहड़ी का त्योहार हम क्यों मनाते हैं। तो हमने ज्यादा तो अध्ययन नहीं है हमें, लेकिन इतना है कि हम ये जो अब आगे जो नया वर्ष आ रहा है, ये उसके उपलक्ष्य में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ से मौसम जो है वो चेंज हो जाता है आज के दिन से। इसका मेन इतिहास यही कहा जाता है कि लोहड़ी से अगले दिन ही जो दिन होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, और जो सर्दी होती है उसका असर थोड़ी देर कम होना शुरू हो जाता है। तो दर्शकों, मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और यहीं पर दो चार फैमिली मिलकर लोहड़ी सेलिब्रेट कर रही है। यहाँ हम इन लोगों से बात करेंगे कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। यहाँ भी हम उस आदमी को ढूंढते फिर रहे हैं कि आप लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या इतिहास है लोहड़ी बनाने का। जी, सबसे पहले तो हम बाबूजी से पूछेंगे, क्योंकि यही बता सकते हैं शायद कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। जी, आपका नाम? विनोद कुमार। विनोद जी, अच्छा लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? ये तो पुरानी परंपरा है। वो कह रहे हैं पुरानी परंपरा है ये। नहीं, इसके ऊपर कोई इतिहास तो होगा? इतिहास थोड़ा आइडिया नहीं इस बारे में। अच्छा, तो अभी एक दो लोग ही मिले हैं मुझे जिन्होंने बताया कि लोहड़ी के बारे में। अभी तक दो ही आदमी मिले हैं मुझे पूरे नुमाइश कैंप में जिन्होंने मुझे लोहड़ी का इतिहास बताया है। हम यहाँ भी जानेंगे कुछ, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं। और भाई साहब, आप लोहड़ी क्यों मनाते हैं? ये पर्व तो आ रहा है हिंदुओं का। अच्छा, प्रहलाद के बारे में, इसके बारे में है कथा। एक कथा नहीं, नहीं, ये हमारा एक पंजाबियों का, हिंदुओं का,
ये हमारा पंजाबियों का हिंदुओं का एक फोक फेस्टिवल है। एक्चुअली इससे एक साइंस लॉजिक भी जुड़ा है, जैसे अब ये बहुत सूखी ठंड पड़ रही है और बारिश नहीं हो रही है तो ये हुआ था हमारे पुरखों ने बोला था। साइंस आपको पता हमारे वेद शास्त्रों से बहुत आई है, तो जितनी आग जलेगी उतना हीट इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा और फिर कंडेंस होकर नीचे आएगा तो हमारी फसल अच्छी होगी, आने वाली धान फसल, और फिर बारिश होगी तो उसके ये लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। एक रीज़न ये भी है हमारा फोक फेस्टिवल, ताकि हम अपना बैसाखी हार्वेस्ट फेस्टिवल जो होता है वो बहुत धूमधाम से मना सके और लाखों लोगों को रोटी मिल सके। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मंजू कालरा। मंजू जी, लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? पुरानी फसलों को खत्म होने में और जब नई फसलें पैदा होती हैं इस खुशी में पंजाब में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। पंजाब में? हाँ जी, पूरे देश में फिलहाल ये रीजनल पंजाब से शुरू हुआ है और बाकी सब प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, किसी में ओणम, किसी में पोंगल, अलग अलग नाम से है। इन्होंने सही जवाब दिया, बिल्कुल कहीं ओणम, कहीं पोंगल और भी नाम निकल के आए अभी तो जहन में आए नहीं, अभी हो सकता है और भी नाम निकल गए। कहीं बिहू है, कहीं ओणम है, कहीं पोंगल है, कहीं दही खिचड़ी है, ये सब त्योहार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी फसलों को उगाने के लिए, लाखों किसानों को रोटी देने के लिए, हम सबको अनाज देने के लिए, उसके लिए भी है ये। बिल्कुल, एक साइंस लॉजिक है, इवेपोरेट होकर नीचे ऐसा रेन, और जो एक साइंस का लॉजिक जो दिया है साक्षी, साक्षी अरोड़ा ने जो बताया वो साइंस का लॉजिक दिया है कि हमारी जो ये आग जलेगी तो इससे जो हीट है वो ऊपर जाएगी, ऐसी है ना? हाँ, अच्छा, इवेपोरेट होकर जाएगा। अच्छा, और फिर कंडेंस होकर ये फिर बारिश के रूप में आएगा, जिससे कि जो हमारी गेहूं बोई जा रही है आगे, जो हमारी अप्रैल में हमारी फसल कटी है बैसाखी पर, उसकी फसल बहुत अच्छी हो सके और इंद्र भगवान खुश होकर, और सब एक नई शुरुआत होती है नए साल की। इंद्र भगवान खुश होकर यहाँ पर बारिश बारिश कर दे, और आप देखना जैसे ये सूखी ठंड पड़ रही है 15 दिन में बारिश, 100 दिन में बारिश आ जाएगी। ये देखिए अभी साक्षी जी की बात ध्यान रखना, आज क्या तारीख है? 13 जनवरी 2024। आपका कहना है कि आप ध्यान रखें कि 2-4 दिन में बारिश हो जाएगी, भगवान करे बारिश हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को ठंड लगी हुई है, किसी को खांसी जुकाम बहुत ज्यादा परेशान है इस समय, लेकिन ऐसी ठंड जो अभी पड़ रही है बहुत टाइम पहले पड़ी थी, मुझे भी ठंड का इंतजार था। 6 साल पहले पड़ी थी? नहीं, 6 साल पहले नहीं, 25 साल पहले पड़ी। नहीं, 6 साल पहले भी। पक्का? बिल्कुल। आपने नोट किया था टेम्परेचर? 25 साल पहले भी थी, 5-6 साल पहले भी ऐसे ही थी। बिल्कुल, पहले पहले बहुत ठंड पड़ती थी, अब थोड़ा कम हो गया है। भाई आप सभी को बब्बर बोलो की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं लोहड़ी की, आप ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमारा बब्बर ब्लॉग है YouTube करते रहे, और अभी आप ग्लास रख के डांस कर रहे थे, जरा वो दिखाइए। दर्शकों, लोहड़ी है और लोहड़ी पर मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक यही सेल होती है, क्यों भाई? ये देखिए यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, रेवड़ी, मूंगफली, गज्जक, ये सारे ठीक रही भाई जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब कुछ रिस्पांस मिला है? नहीं। हाँ क्यों नहीं, बढ़िया ठीक रही। हाँ बहुत बढ़िया। लोहड़ी जैसे कि नुमाइश कैंप में जगह जगह पर लोग सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, हम लोगों से बात भी कर रहे हैं कि लोहड़ी क्यों मनाई जा रही है, क्यों मनाते हैं,
और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या इतिहास है। हर आदमी ने अलग अलग इतिहास बताए, अलग अलग लॉजिक बताए, तो हम यहाँ भी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भाई साहब आपका नाम राजन जी, अच्छा लोहड़ी बनाने के पीछे क्या तर्क है? लोहड़ी मनाने के पीछे क्या, मैं भूल गया हूँ, याद तो है कहानी दिमाग में। अच्छा ये देखिए राजन जी भी थोड़ा इनके दिमाग से निकल रही है। अंकल जी क्या नाम है आपका? विशलाल। अच्छा लोहड़ी क्यों मनाते हैं? लोहड़ी ऐसा ही कि भाई बहनों का प्यार होता है। अच्छा वो तो रक्षाबंधन मनाते हैं। लोहड़ी जो है इसमें सुख शांति के लिए बनाई जाती है, मनाई जाती है। ठीक ठीक है जी। अंकल जी ने बताया कि लोहड़ी सुख शांति के लिए मनाई जाती है, चलिए हम आगे भी देखते हैं। अच्छा लोहड़ी क्यों मनाते हैं? लोहड़ी पंजाबी का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, ये इतना तो मैंने पता। अच्छा वैसे अक्सर ज्यादातर लोगों से यही जवाब मिल रहा है कि भाई ज्यादा नहीं पता है, बता रहे हैं कोई हिंदुओं का त्यौहार बता रहा है, कोई पंजाबी का त्यौहार बता रहा है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करें। लोहड़ी क्यों मनाते हैं बेटा? लोहड़ी इसलिए मनाते हैं क्योंकि फिर ठंड खत्म हो जाती है। ठंड खत्म हो जाती है, ये कुछ मिलता जुलता सही उत्तर दिया है, लेकिन जो उनके बड़े हैं उन्हें नहीं पता है कि लोहड़ी क्यों मनाते हैं। लेकिन इस बच्चे ने मास्टर ने बहुत सही जवाब दिया है कि इससे ठंड खत्म होती है। हालांकि पूरा जवाब नहीं दिया लेकिन इतनी कम उम्र में बहुत बड़ा जवाब दिया है। थैंक यू बेटा। उसी जगह आए हैं जहाँ पर बहुत स्टॉल लगा हुआ है, पंडाल लगा हुआ है। जो पंजाबी बना सकते हैं वो किसी और में बात नहीं दी है, पंजाबी है तो शान बकरी। वो लड़की ने मेरे मेरा मुंह ही बंद कर दिया। और ये बात सही भी है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात तो जरूर कहता हूँ कि जितना जज्बा नुमाइश कैंप के लोगों में है उतना जज्बा मैंने कहीं नहीं देखा। भाई किशनपुरा छोड़ के क्यों आए आप? मेरी जो सिस्टर है उनकी शादी है। हमने इस लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? ये हमारी पंजाबियों की जीत है, ये हमारा एक ऐसा त्योहार है जो पंजाबी इस दिन से नया साल मनाना शुरू करते हैं। और मद्रासी लोग जो है वो पोंगल से अपना नया साल मनाना शुरू करते हैं, इसीलिए हम 13 तारीख को पंजाबी अपना नया साल इतने जोर शोर से मनाते हैं। ले भाई फोटो। क्या नाम बेटा आपका? खुशी। खुशी लोहिया। लोहिया, अच्छा आपको कोई मैसेज दर्शकों के लिए? बाईस जनवरी बहुत अच्छे से मनाया था। 22 जनवरी उसी ने बताया कि 22 जनवरी बहुत अच्छे से मनाए, जैसे लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसे ही आप 22 जनवरी मनाए, क्योंकि भाई साहब ने बताया कि हमारे राम आ रहे हैं। वो हमारे हम राम के, ये डबल डबल खुशियाँ हो रही है। इनके बारे में सुना जा रहा है कि एक ऐसे प्राणी है जिनको जितना भी खिलाओ कम पड़ता है। सेहत खराब हुई है मेरी, सेहत खराब हुई है आपका। मनन भाटिया बेटा क्या कहना चाहते हैं आप दर्शकों को? हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा मोबाइल कम देखा करो और बच्चे हो तो खास कर 1 घंटा देखा करो, गूगल पे सर्च करके देख लो 1 घंटा ही देखना चाहिए, बड़े हो तो बस 3 घंटे। और मोबाइल कम देखो, हेल्दी फूड खाया करो। और इधर हमारा इंटरव्यू चल रहा है और एक जरूरी बात, स्टॉप कटिंग ट्रीज। आपको मैं सलूट करता हूँ। अब ये देखिए बहुत अच्छी बात बताई आपने दर्शकों। नेहल और आपका बेटा वाणी लोहड़ी सिखों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। अच्छा और हाँ बताओ, इसमें मतलब सब खुशियाँ मनाते हैं और सिखों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये। कोई और मैसेज?
जैसा कि वाणी ने बताया कि ये सिखों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और ये है भी बिल्कुल सही बात है। अभी यहाँ नेहल, अच्छा नेहल भी है, ये देखिए हमारे कुछ कहना चाहते हैं। नेहल जी बेटा, सेम अंकल सेम मी, सेम बिल्कुल। अच्छा नेहल ने बताया कि बिल्कुल जो वाणी ने बताया ये उसको 100% सपोर्ट करती है ना। ठीक है, थैंक यू नेहल, थैंक यू वाणी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और नुमाइश के में हूँ मैं भी, यहाँ भी कुछ परिवार लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनसे भी मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोहड़ी क्यों मनाते हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है। भाई साहब बैठ जाए क्या? अरे आप बैठे रहो, मैं इसको बैठ जाऊँ, बैठो। नहीं मेरा गलत नहीं, मुझे रेवड़ी दे दो अगर। तो दर्शकों यहाँ पे पति पत्नी बैठे हैं और उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम भाई साहब? मंजू चावला। अच्छा, और आपका नाम मैडम? मीनू चावला। अच्छा आप बताइए कि लोहड़ी क्यों मनाते हैं? लोहड़ी मुख्य त्यौहार है हिंदुओं का, पंजाबियों का। इस दिन क्या होता है? आप बताइए। हम लोग लोहड़ी पूजते हैं, पुरानी जो किताबों में बचपन में पढ़ते थे होलिका का होती थी, वो दहन होके गई थी, तो उस पर्व में हम लोग ये सारी लोही मनाते हैं। वो होली का था, था। उसमें कथाएं प्रचलित है कई। अच्छा तो कोई जैसा कि दर्शकों को मैंने आपको बताया कि लोहड़ी मनाने के पीछे जो तर्क दिया है लोगों ने, सबके अपने अलग अलग तर्क दिए हैं, हम आगे भी चलेंगे इस गली में। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। लोहड़ी का पर्व ये पाकिस्तान से चला रहा है, दूल्हा भट्टी वाले साहब, उसकी दो बहनें थी सुमरी और मुंदरी, उनको लुटेरे लूट रहे थे तो उसे बचाया था, तो वहां पर दीप जलाए थे, तो इसलिए उस पर उसी एक हर्षोल्लास का ये मनाई जाती है लोहड़ी पर। और बहुत पुराना ये चला आ रहा है, इसी वजह से ये लोहड़ी मनाई जाती है। मेरा क्षेत्रवासियों को नगरवासियों को लोहड़ी की मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण 22 तारीख को प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में हो रही है। मेरा सभी से निवेदन कि अपने घर में एक दीपक दिवाली मनाया जाए। लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयां, लोहड़ी की बहुत बधाइयां सारों को, लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयां। जैसे हम लोहड़ी का पर्व मनाते हैं और अब 22 जनवरी को हमारे अयोध्या में राम जी का मंदिर स्थापित होने जा रहा है, तो हमारा सबसे यही निवेदन है कि इस त्योहार को भी 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाएं और दीपक जलाएं। परिवार की तरफ से आप सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी और मेरे परिवार वर्मा परिवार की तरफ से आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।